हेलो फ्रेंड, आज के वीडियो में आप देखेंगे व्हीट फ्लोर से ग्लूटेन को कैसे आइसोलेट करते हैं। ग्लूटेन एक तरह का प्रोटीन है जो व्हीट फ्लोर में पाया जाता है। ग्लूटेन तभी एक्टिवेट होता है जब ये वाटर के कांटेक्ट में आते हैं, और जब ग्लूटेन वाटर के कांटेक्ट में आता है जनरली ये स्ट्रेच की प्रॉपर्टी प्रोड्यूस करते हैं। इसलिए बेकरी यूज़ में किसी भी व्हीट का यूज़ हम मोस्टली ब्रेड बनाने के लिए यूज़ करते हैं। आज के वीडियो के लिए हमें व्हीट फ्लोर और व्हीट फ्लोर को यूज़ करते हुए उसका बना हुआ डव क्या हो सकता है। आज के एक्सपेरिमेंट को करने के लिए सबसे पहले डव को अपने हाथों में लेकर एक टैप टल की सहायता से इसे वॉश आउट करेंगे। इसे तब तक वॉश आउट करना है जब तक कि व्हीट फ्लोर का स्टार्च पूरी तरह से डिजॉल्व होकर एक्सक्रीट आउट ना हो जाए। जैसे जैसे आप इसको आगे बढ़ाते जाएंगे वैसे ही ग्लूटेन का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। एक्चुअली ग्लूटेन ऑलरेडी फॉर्म्ड है, यहाँ से हम सिर्फ ग्लूटेन के नेटवर्क से स्टार्च को वाटर से डिजॉल्व करके बाहर निकाल रहे हैं। आप देख सकते हैं हम बहते हुए पानी के नीचे जैसे ही इसको वॉश करते हैं ये ग्लूटेन का फ्रेमवर्क या नेटवर्क जिसे आप स्पॉन्जिनेस की तरह से देख सकते हैं फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। ग्लूटेन की प्रॉपर्टी होती है कि जब ये वाटर के कॉन्टेक्ट में आते हैं तो इनका फॉर्मेशन होता है, और जब हम वाटर की सहायता से इसके स्टार्च को वॉश आउट करते हैं तो उसमें फ्रेमवर्क में सिर्फ ग्लूटेन ही रह जाता है। ये बायोटेक्नोलॉजी का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स है जिसको हम इसलिए परफॉर्म करते हैं ताकि ये बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए किसी भी डेयरी इंडस्ट्री में ब्रेड या अन्य प्रकार के स्पॉन्जी फूड का कैसे फॉर्मेशन करें। जब हम ब्रेड इंडस्ट्री में आपके व्हीट फ्लोर या अदर फ्लोर को यीस्ट के साथ कॉन्टेक्ट कराकर मिक्स करते हैं तो उससे फॉर्मेशन होने वाले CO2 का आपके ग्लूटेन के फ्रेमवर्क में इंट्रैपमेंट होता है, और इसी की वजह से हमारा प्रोडक्ट स्पॉन्जी, इलास्टिक और सॉफ्ट बन जाता है। देखिए हमारा डव कैसे स्पॉन्जीनेस लिया हुआ है। आइए अब हम आपके बनाए हुए डव की इलास्टिसिटी टेस्ट कर लें। जैसे ही ग्लूटेन का फॉर्मेशन होता है हमारे व्हीट से बने हुए डब में एक इलास्टिसिटी आ जाती है। इसे आप इस तरह से खींच कर भी देख सकते हैं, आप पाएंगे कि एक रबर के बलून के स्ट्रक्चर की तरह ये स्ट्रेच आउट हो रहा है। ये इलास्टिसिटी और या स्ट्रेचिसिटी सिर्फ इसलिए डेवलप हुई है क्योंकि हमारे व्हीट में प्रेजेंट ग्लूटेन का फॉर्मेशन मॉइस्चर के कॉन्टेक्ट में या वाटर के कॉन्टेक्ट में आने के बाद हो गया है। इसे आप खींचने से खींच भी रहा है और ये इलास्टिसिटी की तरह से स्ट्रेच हो भी रहा है। ये ग्लूटेन के वजह से पॉसिबल है, ये हमारा ग्लूटेन का फॉर्मेशन पूरी तरह से हो चुका है। अब यही एक्सपेरिमेंट अगर हम नॉर्मल व्हीट डब के साथ करना चाहें तो ये उस तरह से पॉसिबल नहीं है क्योंकि ग्लूटेन के फ्रेमवर्क में स्टार्च प्रेजेंट है और स्टार्च को हमने धोया नहीं है, इसलिए इसमें पूरी तरह से इलास्टिसिटी डेवलप नहीं हुई है ना ही स्पॉन्जीनेस डेवलप हुआ है, और अगर आप इसे खींचेंगे तो ये आसानी से टूट जाएगा। Thank you for watching this video.